सभी लोग स्थान ग्रहण कर ले, जितने भी हमारे पार्टी कार्यकर्ता वरिष्ठ कार्यकर्ता जो खड़े हैं उनसे आग्रह है कि अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में इसलिए मैं समय ले रहा था, हम सबके नेता लोकप्रिय नेता उत्तर प्रदेश सरकार में आज की वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठक की अध्यक्षता के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान रतनलाल भाकर जी से कि उस इस बैठक की अगर अध्यक्षता करें आदरणीय रतनलाल भाकर जी। भाकर साहब आइए और बहुत पुराने हमारे नेता हैं, स्वागत है, आइए। मैं आग्रह करूंगा माननीय मंत्री निश्चित मंगल सिंह धाकड़ जी पुराने पार्टी कार्यकर्ता हैं, धाकड़ समाज के नेता भी हैं और जिस प्रांगण में बैठे हैं प्रांगण भी इनका ही है। मंगल सिंह धाकड़ जी आइए। विपुल मित्तल उसके अंतर्गत अच्छे विचारों का आदान प्रदान हो सकता है, इसके लिए मैं बता रहा दो तीन दिन बैठक कर लेंगे, दो तीन बैठक है आज उसमें कुछ सीनियर नहीं गए होंगे। समाज सेवी है बंटी ग्रोवर जी, बंटी ग्रोवर जी आपके कार्यकर्ता है, पुराने लोगों से पूछो तो कला है पार्टी। शुरुआत तो कर लो, अब शुरुआत तो कर लो क्योंकि आप समाज सेवी है ना, तो आपको अनुभव भी है, शुरुआत करो। धन्यवाद हेमंत जी, समाज सेवी विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण पर लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो इस मुकाम पर पहुंची है उसके लिए बहुत लोगों ने संघर्ष किया है, कहा इस पार्टी के 2 सांसद होते थे जो वरिष्ठ जन जो बैठे हुए हैं उनके संघर्ष से ही आज हम यहां के किस प्रकार सरकार ने बिना किसी भेदभाव से सभी का विकास कराया। धन्यवाद। और मेरे बड़े भाई का मार्गदर्शक क्योंकि अगर कार्यकर्ता निर्माण सन 80 से हालांकि डॉक्टर उससे पहले भी है लेकिन 80 लायक मैं भाई साहब का मेरी विचार बात भैरव सिंह जी बोला ना 5 बजे और किसी व्यापारी के बैठा के उनका जलपान कराएंगे 8 बजे बाजार में देता है। जैसे ही बताइए अपनी मार्केटों के अंदर बाजार से फिर करिए हम दो क्या कार्यकर्ता चौराहे पर बोलेंगे कोई मजमा लग जाएगा या फिर रात में जाएगा कि हम सब के बीच में अपना मार्गदर्शन कर। आज के इस अद्भुत कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष हमारे बड़े भाई और बरसों से जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में डंडे खाए हैं, ठाकरान चौराहे पर मुलायम सिंह के कुर्ते फाड़े हैं, ऐसे रतनलाल जी सम्मानित मंच उपस्थित बुजुर्गों और वो बुजुर्ग बुजुर्ग नहीं है वास्तव में, वो नौजवान वो हैं जो हमें कुछ सिखाते गए हैं, आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। वर्तमान के कार्यकर्ता बंधुओं मातृशक्ति, बहुत कुछ बातें सामने आई हैं, कोशिश करूंगा कि उन्हें दोहराया ना जाए लेकिन
आज के इस कार्यक्रम का मकसद क्या है, इस पर रखूंगा अपनी बात। और क्या हमने पाया एक लंबे दौर पे, उसमें रखूंगा अपनी बात। पुराने अनुभव आए, वह जरूरी थे आज के नए कार्यकर्ताओं के लिए। कई लोग इसमें है नहीं यहां मौजूद, हमारे ठाकुर साहब बैठे हैं मोती कटरे से, इनके एक साथी मुकेश गुप्ता जी हैं, इधर संजय बैठा था, सैचू गुरु कहां है भाई, यहाँ के अपने जवाहर डावर साहब, लाला राम भाकड़, रथीलाल तोमर, ये सब पुराने लंबी श्रृंखला है जो आज भी उस समय के दौर के हैं जब संघर्ष का दौर था। तो ये सम्मेलन क्यों, अगर मैं अंग्रेजी प्रोवर्ब की दो पंक्तियां पढ़ूंगा तो आपके समझ में आएगा, मेक द न्यू फ्रेंड्स बट रिमेंबर द ओल्ड, मेक द न्यू फ्रेंड्स बट रिमेंबर द ओल्ड, न्यू आर सिल्वर ओल्ड आर गोल्ड। तो ये हमारे जो स्वर्ण है पार्टी के, और जिस काल को इन्होंने भोगा है, आगे बढ़ाया है, नीम के पत्थर है जो इस जिस कंगूरे पे आज हम बैठे हैं मंत्री के रूप में, उनके अनुभव से सीखे, उनके त्याग बलिदान संघर्ष से सीखे, और पार्टी को आज अभी देश की जरूरत है, इस देश को अभी इस पार्टी की जरूरत है, इस नेता की जरूरत है, उस संकल्प को साथ लेकर जाए, इसलिए आज का सम्मेलन। मित्रों, शंकर जी यहाँ का रहते हो तो वहां रहते चिपटोले में, बोले नहीं यहाँ पर एक शिव शंकर जी और वो रहते, वो मेरे पास एक जहन में थी। जब मैं विधायक बना तो गोकुलपुरे वैसी जो अपने सतत जीवन संपर्क के कार्यक्रम के अंदर आया, तो वहां आया तो मैंने कहा यही कोई जगह है जहां रावत जी लाए थे। तो मैंने जो मेरे साथ थे लोग, मैंने कहा शिव शंकर जी कार्यकर्ता रहा करते थे, तो बोले हाँ अभी भी है। तो मैंने कहा है भाई, तो बोले घर में बीमार रहते। मैंने कहा उनके लिए चले गए, उनके अब पहुंचा, प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए, उनकी आंखों से अमर अरदास की धारा बह गई। बोले कि अब हमें पूछता कौन है नया, ये पीड़ा थी उनकी कि नए लोग हमको पूछते नहीं। तो मैंने भी सोचा अगर मैं बिना सोचे निकल जाता यहाँ से, यहाँ के लोग मुझसे उनसे मिलवाते नहीं, या मुझे वो संस्मरण याद नहीं होता रावत जी वाला, तो मैं भी निकल जाता और उनके अंदर एक पीड़ा होती कि विधायक बन गया है, निकल गया, मुझे नहीं जानता ना मेरे घर पे आया। इसलिए मैं कहता था कि 18 से 80 साल तक के सभी कार्यकर्ताओं की सूची अपने पास रखो, और जब भी कोई नेता पार्षद विधायक सांसद और कोई वरिष्ठ नेता पहुंचे, तो करना चाह रही है इस सम्मेलन के माध्यम से कि अपने जो अतीत है हमारा शानदार था भूत, तो वर्तमान को भी संभालो। अभी संघर्ष खत्म नहीं हुआ है मित्रों, संघर्ष के बाद एक मुकाम तो हासिल कर लिया है हमने कि हमारी सरकारें बन गई हैं, लेकिन अभी काम बहुत बाकी है। काम हुए भी है, भारतीय जन या जनसंघ के समय के कितने लोग जिन्होंने दीपक के नाम पर वोट मांगा होगा, ऐसे कितने लोग हैं। हाँ नहीं तो उन्हीं को, तो उन्हीं का सम्मेलन है भाई। अच्छा, जिन्होंने 75 की विभीषिका देखी है, आपातकाल, आपातकाल को लगे हुए लगभग 50 साल होने आए, और कई लोग 50 साल के यहाँ पे बैठे होंगे, यहाँ पर उन्हें मालूम नहीं होगा कि आपातकाल में हमारे नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे पुरोधाओं ने क्या झेला था। वो एक दौर था। हमारे एक साथी थे वीरेंद्र अटल बरेली में विद्यार्थी परिषद के, उनके नाखून खींच लिए गए थे, ये हुआ था उस समय।
न जाने कितनी एक लंबी कहानियां हैं आपातकाल की, लेकिन एक संघर्ष का चरम था वो और प्रताड़ना का उत्पीड़न का चरम था वो इंदिरा गांधी का शासन, जिससे निकलकर ये कुंदन बना है, मेरी पार्टी कुंदन बनी है। वह दौर भी देखा है हम लोगों, और हम उस समय काम करते थे सब लोग जो हमारे हमसे पूर्वज या हमारी पीढ़ी के लोग। तब दो सांसद, 12 MLA, कभी सोचा नहीं था कि हम मंत्री बनेंगे। अरे हम मंत्री बने तो छोड़िए, आगरा से कोई MLA बनेगा ये नहीं सोच, हमेशा हार के लौटते थे हमारे सीनियर लोग, दो दो दिन घर से नहीं निकलते थे मोहल्ले में। तो तीन जी तो वो दौर भी देखा है कि ये तो उस समय राजनीति क्यों की हम लोगों ने, ये एक प्रश्न है मित्रों, जो आप सबको नए लोगों को समझना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने, ये जो आज हम कंगूरे पर बैठ गए हैं, ये नीम के पत्थर क्यों बने। हिंदुस्तान की आजादी के बाद भारत की सरकार कांग्रेस की बनी, नेहरू जी उसके सर्वे सर्वा बने, कांग्रेस कभी विचार। आज आप अपने जरा अनुभव करिए कि जब खाते हैं तो लगता है कहाँ फेंकूं, ये सोचते एक बार ख्याल आता है कि नहीं आता, बेशर्म शायद फिर भी फेंक देते होंगे, लेकिन ख्याल एक बार जरूर आता है उसको कहाँ फेंकूं। और अगर गलती से फेंक देते हो और घर का बच्चा संग चल रहा होता है, कहता है पापा ये क्या किया, मोदी जी क्या कहते हैं, आने वाली नस्ल को स्वच्छता का संस्कार दिया है मेरे मोदी ने, ये किया है, तो कहते हैं कि सर ने इंस्पेक्टर था, ये स्वच्छता का संस्कार दिया उन्होंने, स्वच्छता के ही क्रम में किसने से देखा कि कई बच्चियां स्कूल इसलिए नहीं जाती थी क्योंकि उनके विद्यालय में शौचालय नहीं होते थे, तो कैसे दैनिक कार्य से निवृत्त हो सके वो, इसलिए बिना पढ़े अपने जीवन गुजारती थी। देश की आधी आबादी को अगर पढ़ने का मौका ना मिले सिर्फ इस बात से कि उसके विद्यालय में शौचालय नहीं है, इससे शर्मनाक बात हो नहीं सकती। 70 साल हो गए देश की आजादी को, क्यों नहीं सोचा किसी उम्र आते मेरे नेता ने सोचा। आप सब आगरा में रहते हैं, आगरा की बस्तियां हैं यहाँ बहुत सी रेलवे के किनारे, जब कभी आते थे हम कहीं से सुबह खिड़की बंद कर लेते थे, दृश्य देखा नहीं जाता, लेकिन सोचा किसने उसके बारे में कि उनको शौचालय मिलने चाहिए, घर घर शौचालय हो, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की चिंता करना, उसकी आवश्यकता की पूर्ति करना, यह दिया है हमारे देवता। अंतिम छोर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भारत का सम्मान बढ़ा है, भारतवासी का सम्मान बढ़ा है। अरे जब जापान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान आता है, बनारस में गंगा मैया की मोदी जी के साथ आरती उतारता है, मेरा सीना 56 इंची का होता है कि क्या दिया है मैंने। हिंदुस्तानी का सीना 56 इंची का होता है जब जापान का प्रधानमंत्री हमारी श्रद्धे गंगा मैया पावन सलीला गंगा मैया की आरती उतारता है, अपनी संस्कृति को विश्व के सामने परोसा है मेरे नेता। तो ये सब किसकी देन, आज ये सब हो पा रहा है क्यों, क्योंकि हमारे पुराने लोगों के त्याग तपस्या बलिदान संघर्ष के कारण भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। इसलिए बहुत सी कहानियां है, सुनाते सुनाते दिन बीत जाएगा और कहीं भोजवानी जी पीछे ऐसे आकर मेरा कुत्ता ना खींचे कि बहुत देर हो रही, इसलिए मैं जल्दी से उधर ले चलो, उधर हो जाएंगे फोटो भाई।